अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। भीम, उम्मीद है कि तुम किरमाड़ा पर अकेले हमला करने की बात नहीं सोच रहे हो। अरे नहीं। तब कहाँ? इस पर नजर रखने के लिए? कुछ भी, जब मेरे राजा और प्रजा कष्ट में हैं, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। लेकिन भीम, हम प्रार्थना कर रहे हैं ना? पूरी बात बोलो जग्गू, हम कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। कहाँ है भगवान कृष्ण? वो सामने क्यों नहीं आते? हम लोगों को कोई संकेत तक नहीं मिल रहा है कि जिससे कुछ राहत तो मिले। क्या है किसी के पास इसका कोई जवाब? मुझे भूख लगी है। आओ चुटकी। इनके लिए ये बाकी दिनों के जैसा और एक दिन है, खाना और फिर सो जाना। हाँ? राजू, जग्गू, उठो। हे भगवान, क्या हो गया? उठो। अरे ये, ओहो, मुझे जल्दी से उनके लिए एक डॉक्टर लाना चाहिए। ओहो, हे लड़के, क्या तुम इन जानवरों को मेरे रास्ते से हटाओगे? मेरा नाम कान्हा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। हे भगवान। हाँ। अरे छोटे से मूर्ख बच्चे, अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ो। ठीक है, अगर ये तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो तुम इसे रख लो। तुम अपनी जान देने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? आओ पकड़ो इसे। नहीं कान्हा, यदि मैं इसे पकड़ता हूँ तो मेरा वजन हम दोनों को नीचे खींच लेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत भारी हूँ। मुझे लगता है कि वो किरमाड़ा ही जीत जाएगा। भीम, मेरे लिए कुछ भी भारी नहीं है, बस मेरा हाथ पकड़ो। आ जाओ। तुम नाजुक बच्चे जैसे नहीं हो। मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं अभी भी जल्दी में हूँ। मेरे दोस्तों ने कुछ जहरीले बेर खा लिए हैं। बेर? मैं मदद कर सकता हूँ। मैं सारी जिंदगी यहीं पर रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या इन्होंने ये बेर खाए थे? मुझ पर विश्वास रखो। अरे भीम, मेरे बच्चे, मुझे लगा था कि मैं चला गया। मुझे भी ऐसा ही लगा था। ये सब कान्हा के कारण हुआ है कि तुम लोग ठीक हो। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। कितना अद्भुत बालक है। समय पर मदद करने वाला और बहुत सताने वाला भी। युद्ध में विजय उसी को मिलती है जो सही निशानेबाज भी हो और तेज भी। तुम लोग मेरी बात समझ गए? तीन की गिनती पूरी होने पर उस लक्ष्य पर निशाना लगाओ, ठीक है? 1, 2, 3। कान्हा! क्या मैं तेज था? तुम्हें बुरी तरह से चोट लग सकती थी। तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हारे सारथी के रूप में मुझे तुम्हारी तरफ आने वाले तीरों को रोकना आना चाहिए। इसीलिए मैं देख रहा था कि ये मैं कर सकता हूँ या मुझे और अभ्यास की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम धरती के महान वीरों को भी शर्मिंदा कर सकते हो। मैंने इस उम्र में ऐसा कमाल नहीं देखा, यहाँ तक कि भीम भी ऐसा नहीं कर सकता। रुको, तुमने कहा सारथी? तुमने बोला था कि अगर मैं तुम्हारे दोस्तों को जहरीले बेर से बचा लूंगा तो तुम किरमाड़ा के खिलाफ होने वाले युद्ध में मुझे अपना सारथी बनाओगे। सुनो, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। और सबसे बढ़कर तुम चालाक नहीं हो। हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए चालाकी की जरूरत है। अगर ऐसा है तो निश्चय करने के लिए हम एक खेल खेलते हैं। हम सभी नदी के दूसरे किनारे पर पड़ी उस चट्टान तक रेस लगाते हैं। अगर तुम में से किसी ने भी मुझे हरा दिया तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। ठीक है, अगर तुम नदी को तैर कर पार करने की सोच रहे हो तो ये मगरमच्छों से भरी हुई है। तैरने की बात किसने की? तो अब मैं सारथी बन सकता हूँ? हाँ, बन सकते हो। मैं शैतानी सेना को पास आते देख रहा हूँ, शायद उन्हें कुछ पता चल गया है। जब वो पास आए उन्हें आने देना, हम उन पर ऊपर से प्रहार करेंगे। ठीक है। कौन हो? वापस जाओ अभी। ठीक है भीम। वहाँ नहीं, ऊपर जाओ। वो वहाँ है, हमला करो। सबक उन्हें हमारे ऊपर दोबारा हमला करने नहीं देगा। छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम। संकट के जब बादल छाए, छोटा भीम घबराए, पूरी करने को कृष्णा आ जाते हैं। कृष्णा, छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम। ढोलकपुर में खतरा छाया, किरमाड़ा सिर पे मंडराया, चिंता में छोटा भीम आया, भय से सबका मन घबराया, पूरी करने को कृष्णा आ जाते हैं। कृष्णा, छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम। है मन ही मन के अंदर, चुटकी राजू जग्गू बंदर, छोटा भीम का साथ निभाए, रूप बदल कर काना आए, पूरी करने को कृष्णा।